हेलो एवरीवन, मैं हूं भागीरथ गिरी और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं टेबल एट्रीब्यूट्स के बारे में। यानी टेबल के जो टैग्स हमने लास्ट वीडियो में देखे थे उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, टेबल के जो चिल्ड्रन टैग्स थे उनके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा और वो साथ साथ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी बताऊंगा। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है और टेबल के बारे में आपको कुछ ना पता हो तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने टेबल के बारे में बता रखा है, और इस वीडियो में मैं आपसे सीधा शेयर करूंगा टेबल एट्रीब्यूट्स को। तो सबसे पहले आप देख सकते हो टेबल एट्रीब्यूट्स में तीन मैंने बना रखे हैं। सबसे पहला टेबल टैग खुद के लिए एट्रीब्यूट, फिर टेबल का जो चिल्ड्रन टैग होता है टेबल रो उसके लिए कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, और फिर है टेबल हेडिंग या टेबल डेटा के लिए एट्रीब्यूट्स। तो सबसे पहले हम लोग, मैं जूम इन करता हूँ इसको और डिस्कस करते हैं हम लोग टेबल के। तो सबसे पहले टेबल एट्रीब्यूट में हमारे पास है बीजी कलर, यानी बैकग्राउंड कलर। अगर आप टेबल को कुछ बैकग्राउंड देना चाहते हो तब ये यूज करेंगे हम। और फिर है अलाइन, यानी टेबल को आप कहीं अलाइन करना चाहते हो, आपके जो ब्राउजर है उस पर किसी जगह पर आप टेबल को अलाइन करना चाहते हो तब अलाइन। फिर है आपका बॉर्डर, टेबल को आप कुछ बॉर्डर देना चाहते हो उस केस में आप बॉर्डर दोगे। फिर है सेल स्पेसिंग, यानी टेबल में जो सेल्स होते हैं उनके अंदर आप कुछ स्पेस रखना चाहते हो तब आपको सेल स्पेसिंग का यूज करना है, जिसमें आप पिक्सल्स में या फिर आपके परसेंटेज में वैल्यूज प्रोवाइड करवा सकते हो। फिर आपके पास सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग के बाद है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग क्या करता है, इंटरनली पैडिंग देता है, यानी आपके सेल के अंदर गैप पैदा करेगा और जो अंदर गैप बनाएगा, और सेल स्पेसिंग जो है वो बाहर की तरफ गैप बनाएगा। तो अंदर और बाहर, स्पेसिंग का मतलब सेल के बाहर गैप बनना, सेल पैडिंग मतलब अंदर की तरफ गैप बनना। अभी मैं आपको पूरे समझाने के बाद टेबल पे इंप्लीमेंट करके बताऊंगा तो ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। फिर हमारे पास विड्थ और हाइट, जो टेबल की विड्थ और हाइट डिसाइड करती है। अब मैंने एक बेसिक टेबल बना रखी है, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो ये मैंने एक बेसिक टेबल बना रखी है, और एक बेसिक टेबल में आप देख सकते हो फिलहाल कोई भी बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं लगी हुई। एक बार मैं इसकी कोडिंग भी दिखाता हूँ आपको, तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसका कोड है, और इस कोड में हमारे पास सिर्फ एक बेसिक टेबल है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हम क्या चाहते हैं, इस बेसिक टेबल की कुछ बॉर्डर आए, कुछ बैकग्राउंड का कलर आए, ये सारी चीज़ें हमको इम्प्लीमेंट करनी है। तो हमको टेबल टैग के अपने एट्रीब्यूट्स यूज करने होंगे जो हम टेबल टैग में यहाँ पर लगाएंगे। तो सबसे पहला मैंने जो आपको बताया वो है बीजी कलर, यानी बैकग्राउंड में आप कुछ कलर देना चाहते हो। तो मैं एक बार सिंपल सा एक येलो कलर दे देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या चेंज आ रहा है। आप देख सकते हो पीछे बैकग्राउंड में एक येलो कलर आ चुका है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसको कुछ बॉर्डर भी दूँ, इसको मैं बॉर्डर भी दे सकता हूँ। तो बॉर्डर एट्रीब्यूट में आपको पिक्सल्स में वैल्यूज पास करनी होती है, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ एक बार 5। तो ये 5 पिक्सल्स अपने आप समझ लेता है, तो 5 पिक्सल्स दे दिया मैंने। रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की बॉर्डर हमारे पास आ चुकी है। अब मैं इसको एक बार वापस रीसेट कर लेता हूँ, तो ओरिजिनल साइज जो है वो ये है। अभी मैंने इसको जूम इन कर रखा था, इसकी वजह से आपको ये दिख रहा था इतना बड़ा। एक बार फिर से जूम इन कर लेता हूँ, तो 5 पिक्सल्स की हमने बॉर्डर दे दी अभी। अब हम लोग अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, और अगली प्रॉपर्टी में मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या करना है टेबल को। अभी आपको टेबल कहाँ दिख रही है, लेफ्ट की तरफ। मैं चाहता हूँ टेबल एकदम सेंटर में दिखे, तो उस केस में आपको यूज करना है अलाइन और सेंटर। तो ये टेबल को कहाँ लेके आएगा, एग्जैक्ट सेंटर में लेके आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि टेबल राइट में आए तो आपको अलाइन राइट कर देना है ताकि टेबल और राइट में आ जाए, और बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में तो होती है, और अगर आप लिख भी दोगे तब भी वो लेफ्ट में चली जाएगी। तो तीन चीजें हैं हमारे पास, लेफ्ट, सेंटर और अलाइन। तो एक बार मैं इस टेबल को एग्जैक्ट सेंटर में लेके आ जाता हूँ, तो अब आप देख सकते हो एग्जैक्ट टेबल सेंटर में आ गई है। और अब और कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे जो वेब डेवलपमेंट 10,000 लिखा है, ये थोड़ा सा अपने बॉक्स से दूर दिखे। बॉक्स से दूर दिखने के लिए आपको क्या करना होगा, सेल स्पेसिंग का यूज, सेल पैडिंग का यूज करना होगा, क्योंकि अंदर की तरफ आप गैप देना चाहते हो। तो अंदर की तरफ गैप देने के लिए एक बार मैं 10 मेंशन कर देता हूँ, 10 मींस 10 पिक्सल्स। तो आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा सा गैप आ गया हर एक सेल के अंदर। ये एक पर्टिकुलर सेल है, ये एक पर्टिकुलर सेल है, ये एक पर्टिकुलर सेल है, तो इस तरीके से इसमें 9 सेल है, और 9 सेल के अंदर सारे में अपना अपना गैप आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से थोड़े दूर जाए, तो दूर जाने के लिए आपको यूज करना होगा सेल स्पेसिंग का। तो सेल स्पेसिंग करके एक प्रॉपर्टी है, उसमें आप जितना पिक्सल मेंशन करोगे उसके अकॉर्डिंग ये दूर चला जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कि ये एक दूसरे से दूर आ चुके हैं। पहले कैसे दिख रहे थे, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। तो कुछ इस तरीके के पहले ये दिख रहे थे, और अब हमने जब प्रॉपर्टी लगाई तो ये एक दूसरे से थोड़ा सा क्या हो गए, दूर हो गए। तो एक बार ये सेल पैडिंग कर देता हूँ और सेल स्पेसिंग लगा देते हैं हम लोग। सेल स्पेसिंग में फिर से 10 लगा दिया मैंने, और रिफ्रेश करने पर आप देख सकते हो सेल्स एक दूसरे से दूर है और टेबल की अपनी बॉडी से भी दूर आ गए। तो ये प्रॉपर्टीज हैं जो हमने देखी। अभी मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, ये हम लोगों ने यहाँ तक की प्रॉपर्टीज देख ली। अब मुझे देखना है विड्थ और हाइट। तो विड्थ और हाइट के लिए मैं क्या करूंगा, विड्थ और हाइट के लिए मैं इसके अंदर विड्थ और हाइट दूंगा। इनको अपनी अपनी विड्थ और हाइट दे सकते हैं हम। तो यहाँ से एक बार मैं विड्थ दे देता हूँ 500 पिक्सल्स, और हाइट दे देता हूँ मैं यहाँ पर
जो हाइट होगी मेरी वो होगी सपोज 200 पिक्सल्स, तो हाइट में यहाँ पर 200 पिक्सल्स दे देता हूँ। एक बार मैं इसको वापस जूम आउट कर लेता हूँ तो आपको दिखेगा कि टेबल एग्जैक्टली ऐसे दिख रही है। अब जब इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो ये 500 और 200 पिक्सल्स में बढ़ जाएगी। एक बार फिर से मैं यहाँ पर हाइट बढ़ाने के लिए 1000 पिक्सल्स कर देता हूँ तो आप देख सकते हो टेबल की हाइट बढ़ चुकी है, और कितनी बढ़ चुकी है, 1000 पिक्सल्स तक बढ़ चुकी है। अंदर के सेल्स को ये ऑटोमेटिकली बांट देता है हाइट को, बट जो टेबल हेडिंग है उसको कुछ नहीं देगा। टेबल हेडिंग तो आपकी इतनी छोटी सी ही दिखेगी। टेबल हेडिंग कैसे लगी हमने, TH करके लगाई हुई है हमने, इसलिए ये उसको कुछ नहीं देता, उसको तो एक छोटा सा रखता है। और बाकी जो हाइट है वो कहाँ पर बांटेगा, वो बांटेगा आपके दूसरे टेबल डेटा के अंदर, मतलब टेबल बॉडी के अंदर। इतनी बड़ी हाइट तो हमें नहीं चाहिए ऑब्वियसली, तो मैं एक बार हाइट छोटी कर देता हूँ और ये हमारी फिलहाल टेबल बन गई। तो इतनी चीजें हमने समझ ली जो टेबल के अपने एट्रीब्यूट्स थे। अब हम लोग चलते हैं आगे, और टेबल के एट्रीब्यूट से आगे हम लोग समझते हैं टेबल रो के एट्रीब्यूट्स, जो आप देख रहे हो यहाँ पर सेकंड नंबर पे मैंने लिख रखा है। टेबल रो के अंदर दो मेजर एट्रीब्यूट्स हैं जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, एक तो टेबल रो का पर्टिकुलर खुद का बैकग्राउंड कलर, और टेबल रो के अंदर अलाइन। अब टेबल रो के अंदर जब अलाइन लगता है तो वो क्या करता है, टेबल को अलाइन कौन करता है, टेबल का अपना अलाइन एट्रीब्यूट। और टेबल रो के अंदर जो अलाइन लगता है वो उसके कंटेंट को अलाइन करता है। तो एक बार मैं ये भी आपको करके दिखाता हूँ, चलते हैं वापस कोड पर, और कोड के साथ साथ मैं यहाँ पर हमारा आउटपुट भी ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ से मैं टेबल रो के अंदर एक बार बीजी कलर लगाता हूँ, तो बीजी मीन्स बैकग्राउंड कलर, और बीजी कलर में आप सपोज यहाँ पर ब्लू दे रहे हो। सपोज आप चाहते हो कि कोई एक टेबल रो अलग दिखे थोड़ी सी, तो आप यहाँ पर एक कलर दे रहे हो, तो आप देख सकते हो सबसे पहले वाले में मैंने दिया था इसलिए उसका कलर चेंज हो गया। तो एक बार मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि हेडिंग में हमें नहीं चाहिए, हमें कहाँ चाहिए, मुझे चाहिए कि वेब डेवलपमेंट में ये ब्लू दिखे, तो मैंने वेब डेवलपमेंट में ब्लू दे दिया। अब जो टेबल का बैकग्राउंड कलर था उसको ओवरराइड करके ये आ रहा है आपका रो का कलर। अब ये रो का कलर हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो वेब डेवलपमेंट लिखा हुआ एग्जैक्ट सेंटर में दिखे, तो एग्जैक्ट सेंटर में दिखने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इधर लगाना है अलाइन और सेंटर। बाय डिफॉल्ट क्या है, लेफ्ट है। जैसे अलाइन सेंटर लगा दोगे आपका कंटेंट एकदम सेंटर में आ जाएगा। सपोज आप चाहते हो कि कोई कंटेंट है जो आपका लेफ्ट में आए, तो आप यहाँ से इसको राइट या लेफ्ट भी दे सकते हो। लेफ्ट तो बाय डिफॉल्ट था, और राइट जब आप दे दोगे तो ये क्या करेगा, राइट की तरफ आ जाएगा। तो तीन प्रॉपर्टीज इसमें भी लग सकती है, और इस एट्रीब्यूट की तीन वैल्यूज हो सकती है, लेफ्ट राइट एंड सेंटर। तो इसको भी मैं फिलहाल सेंटर कर देता हूँ, और ये कलर थोड़ा सा मुझे बहुत ज्यादा डार्क लग रहा है, तो एक बार कलर हटा देता हूँ सिर्फ, ताकि हम लोगों को पूरा एक इवन कलर दिखे। और फिर ये जो अलाइन सेंटर है इसको मैं सेम एज इट इज नीचे वाले मेंशन कर देता हूँ, ताकि हमारा जो डेटा है वो कुछ एक तरीके का दिखने लग जाए। तब आप देख सकते हो एकदम सेंटर में मेरे पास डेटा आ चुका है। तो ये बात हो गई टेबल रो के एट्रीब्यूट्स की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और टेबल डेटा और टेबल हेडिंग दोनों के अपने अपने पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं। टेबल एट्रीब्यूट, ये जो टेबल हेडिंग है और टेबल डेटा है, उनके भी अपने एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे बीजी कलर ऑब्वियसली बैकग्राउंड कलर के लिए, और दो नई चीजें हैं, कॉल्स पेन और रोज पेन। अब कॉल्स पेन और रोज पेन क्या होती है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो रो का मतलब होता है कि ये वाली लाइन, ये कहलाती है आपकी रोज, और कॉल का मतलब होता है ये वाली लाइन, ये कहलाती है आपकी कॉल्स। तो कॉल्स पेन क्या करेगा, कॉलम को जोड़ेगा। मतलब दो कॉलम को आप एक बनाना चाहते हो, कभी कभार आपने टेबल्स में ऐसा देखा होगा कि दो कॉलम जुड़े हुए होते हैं फिर नीचे दो अलग कॉलम्स बने होते हैं, तो इस केस में हम लोग दो कॉलम को एक बनाना चाहते हैं तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, कॉल्स पेन। मैं दो रो को एक बनाना चाहता हूं तो मुझे लगाना पड़ेगा रो पेन। अभी हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। सबसे पहले मैं चलता हूं हमारे वापस कोड पर, और कोड के साथ ब्राउजर पर मेरा ये आउटपुट दिख रहा है। मैं एक बार सबसे ऊपर यहाँ पर वेब डेवलपमेंट को बीजी कलर दे देता हूँ, तो बीजी कलर में मैं यहाँ पर एक बार रेड कलर देके आपको दिखाता हूँ कि ये किसको रेड करता है। तो जिसको आपने एक रो को दिया है उसी को रेड करेगा, बाकी किसी को रेड नहीं करेगा। सपोज मैं ड्यूरेशन को बीजी कलर देता हूँ, क्योंकि टी एच में भी तो यूज कर सकते हैं आप, तो इसको अगर मैं ग्रीन कलर दूंगा तो ये एक पर्टिकुलर उसी को ग्रीन करेगा और किसी को ग्रीन नहीं करेगा। तो ये तो बात हो गई कलर्स की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सपोज मैं चाहता हूँ कि ये जो वेब डेवलपमेंट दिख रहा है वो एक्चुअली वेब डेवलपमेंट दो कॉलम्स के बराबर दिखे, मतलब फीस के नीचे भी ये मुझे दिखने लग जाएगा, मतलब वेब डेवलपमेंट कोर्स और फीस के नीचे पूरा इस तरीके से आ जाएगा। तो इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको यहाँ पर वेब डेवलपमेंट में आपको लगाना है कॉल स्पेन। कॉल स्पेन मतलब कॉलम्स को जोड़ना, तो टू लगाऊंगा तो ये क्या करेगा, दो कॉलम्स को जोड़ देगा। तो अभी आपको जो वेब डेवलपमेंट और ये 10,000 दिख रहा है उसकी जगह ये दो कॉलम्स को जोड़कर, अब आप देख सकते हो इसने क्या किया, कोर्स और फीस वाले के नीचे पूरा वेब डेवलपमेंट आ गया। पहले कैसे था, एक बार पहले वाला वापस देखते हैं हम लोग। पहले कोर्स के नीचे वेब डेवलपमेंट था, फीस के नीचे 10,000 था, बट जैसे ही इसको आप लगाओगे, लगाने के बाद ये क्या करेगा, कोर्स और फीस दोनों के कॉलम के नीचे एक अकेला आ गया। अगर 3 कर देता हूँ
तो उस केस में क्या होगा, तीनों के नीचे यानी कोर्स फीस और ड्यूरेशन तीनों के नीचे ये अकेला आ जाता है और बाकी जो बचे हुए वो अलग छूट जाते हैं। तो ऐसे भी कुछ कुछ केसेस होते हैं जिसमें आपको एक पूरी लंबी सी रो बनानी पड़ती है कहीं पर बीच में, और फिर आपको नेक्स्ट डेटा लेके आना होता है। सपोज आप कहीं एक लंबी सी रो बनाना चाहते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, ये यहाँ से हटा देते हैं हम लोग, इधर मुझे नीड नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर एक टी आर बना देता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर एक टी डी बना देता हूँ, और मैं इसमें क्या लिखूंगा, इसमें सपोज आप ये वाली जो अभी देख रहे हो, ये वाली मैं चाहता हूँ कि पूरी एक ऐसे नीचे आए, वेब डेवलपमेंट ऊपर रह जाए, पूरी एक ऐसे नीचे लाइन आ जाए और नीचे लारावेल रह जाए। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर आपको लगाना होगा कॉल स्पिन। तो यहाँ पे से मैं एक बार इसको वापस लेके आता हूँ और यहाँ हम लगाएंगे कॉल स्पिन 3। तो ऊपर के जो तीन कॉलम्स है उसके बराबर ये एक कॉलम बन जाएगा और पूरी की पूरी लाइन आ जाएगी। तो आप बीच में कुछ अलग से हाईलाइट करना चाहते हो टेबल में, तब भी आप इस तरीके से कर सकते हो। अब सपोज मैं चाहता हूँ कि ये जो अभी तो मैंने देखा कॉल स्पिन, मैं चाहता हूँ कि दो रोज एक हो जाए, दो रोज के बराबर एक हो जाए, तो उस केस में भी आप यूज कर सकते हो ये लारावेल के ऊपर। मैं आपको रोज पेन यूज करके दिखाऊंगा। अभी हमने कॉल किया, अब रोज पेन यूज करते हैं, और रोज पेन में मैंने लिखा 2। तब क्या होगा, लारावेल क्या कर रहा है, एक रो फिलहाल एक रो है, अब ये दो रो के बराबर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो दो रोज का स्पेस इस अकेले ने ले लिया है, तो दो रोज का स्पेस ये अकेला ले रहा है, क्योंकि पहले क्या था, ये एक पूरी रो काउंट होती थी, अब इसने एक और रो का स्पेस ले लिया। अगर मैं यहाँ पर 5 कर दूंगा तो ये 5 रोज के बराबर एक अकेला स्पेस ले लेगा। तो ऐसी कंडीशंस भी आ सकती है जब आपको कभी कभार एक पूरा सा बड़ा डेटा यहाँ पर कुछ लिखना है, तो आप एक बड़ा सा डेटा लिखने के लिए रोज पेन का यूज कर सकते हो, और जिस तरीके से हमने कॉल का यूज किया तो कॉल स्पेन यहाँ यूज होता है। अब मैं आपको एक इसी के अंदर यूज करके दिखाता हूँ कि सपोज मुझे चाहिए कि रोज पेन, तो ये पूरा तो दिख रहा है बट उसके अंदर मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ये हमने जस्ट समझने के लिए लगाया था। अब ये जो बीच वाली आपको लाइन दिख रही है, इसमें मैं चाहता हूँ कि दो कॉलम्स, ये जो आपके एक पूरा कॉलम बना है इसके अंदर ये दो कॉलम्स अलग से दिखे, तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, यहाँ पर लगा सकते हो 2, तो ये आपके दो के बराबर दिखेगा, और तीसरा आप एक अलग से रखना चाहते हो तो तीसरा आप अलग से यहाँ पर टी डी बना सकते हो, तो वो एक तीसरा आपको अलग से दिख जाएगा। तो कुछ इस तरीके के आपको लॉजिक्स लगाने हैं, कुछ इस तरीके के लॉजिक्स आपको इम्प्लीमेंट करने हैं ताकि जैसा आपका डिजायर्ड स्ट्रक्चर है वैसा आप बन सके। कॉल स्पेन क्या करेगा, दो कॉलम्स को या एक से ज्यादा कॉलम्स को जोड़ सकता है, और रो स्पेन क्या करेगा, रोज को जोड़ सकता है। कॉल स्पेन वर्टिकल लाइंस को जोड़ेगा और रो स्पेन हॉरिजेंटल लाइंस को जोड़ेगा। सो हैव फ्रेंड्स, आपको टेबल एट्रीब्यूट्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।